चौरंगी के करीब झोपड़ियों में आग लगने से एक बची जान बहक, दूसरी जख्मी, 8 झोपड़ियां जलकर राख। बहरिया टाउन साफ कराची मुहिम में पेश। मेयर कराची की नाकाम मुहिम के बाद जिला बस्ती में रजाकाराना तौर पर सफाई का आगाज, मशीनरी और अमला करीमाबाद पर मसरूफ अमल। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज ने कहा है कि कचरे के अंबार हम उठाएंगे, सफाई को बरकरार रखना सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, कदम किसी मुनाफे के लिए नहीं उठाया, शहरी भी तआवुन करें, जैन मलिक की अपील। पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई, मुराद सईद पर 2 दिन और जावेद लतीफ पर 8 दिन कौमी असेंबली में आने पर पाबंदी लगाई जाए, तमाशा बनाने वाले दोनों अरकान असेंबली के लिए अलग अलग सजा तजवीज, सिफारिशात स्पीकर को पेश। तेईस मार्च परेड की भरपूर तैयारियों का आगाज, मुल्क की तारीख में पहली बार चीन और तुर्की की अफवाज के दस्ते भी शरीक, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की भरपूर रिहर्सल। द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज टू केयर फॉर इट्स सिटीजंस इन द वे अ मदर वुड केयर फॉर हर चाइल्ड। पाकिस्तान में रियासत माँ का किरदार निभा रही है, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मौसर इकदामात हो रहे हैं, औरतों को गुर्बत और खौफ की फजा से निकालना वक्त की जरूरत है, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस मौशरे में बड़ी तब्दीली ला सकती हैं, मरियम नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में विमेन पार्लिमानी कॉकस काउंसिल से खिताब। मरियम नवाज आवाम के दिलों पर राज करती रहेंगी, फवाद चौधरी जैसे फटीचर और इल्लू कटे इसी तरह सड़ते रहेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का तनकीदी रवैया शर्मनाक है, तलाल चौधरी का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट में मंचर झील आलूदगी केस की समाअत, 1 माह में RBOD मंसूबे का मसला हल न हुआ तो वजीर आजम वजीर आला सिंध को तलब करेंगे, हुकूमत नहीं चला सकते तो ठेके पर दे दें, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क। दो से 2016 तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुकाबले के तमाम इम्तिहानात का लदम करार, स्क्रीनिंग टेस्ट की कानूनी हैसियत बरकरार रहेगी, 2 हफ्तों में कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल का मुकदमा थाना बनावा में दर्ज, आतिफ उर्फ आती और इरफान जट नामजद कातिलों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, पीपी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात का इल्जाम। साहिबाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमले की बेहिसी, हर्निया के 3 ऑपरेशन के बाद मरीज को रात में अस्पताल से निकाल दिया, ज्यादा खून बह जाने पर मरीज की हालत नाजुक, अहले इलाका का एहतजाज। अमन का दुश्मन भारत, इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया, अब्बासपुर सेक्टर पर फिर फायरिंग और गोलाबारी, खातून समेत 4 अफराद जख्मी, पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। रेंजर्स की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 4 मुल्जिम गिरफ्तार, 2 का ताल्लुक MKM लंदन के अस्करी विंग से है।
मुफ्ती नईम, मौलाना तारिक जमील और जिया यूसुफ जई ने अदाकारा वीना मलिक और असद खटक में सुलह की कोशिशें तेज कर दी। तीनों शख्सियात का दोनों से राबता। दौरे वेस्ट इंडीज के लिए तबीयती कम जारी। हसन अली ऑलराउंडर की कमी पूरी करने के लिए पुराजम। बाबर आजम कहते हैं विराट कोहली से मवाजना दुरुस्त नहीं, मेरा अपना स्टाइल है।